वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप भी एक प्राइवेट चैट ऐप ढूंढ रहे थे तो अब आपकी ये खोज खत्म होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीग्राम सीक्रेट चैट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आप बहुत ही प्राइवेट सिक्योर चैट कर पाएंगे। अलग से किसी भी तरह के ऐप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। बस यहाँ पर एक छोटा सा लूप होल है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस लूप होल को हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं बहुत बड़ी मुसीबत आपके पास आ सकती है। पहला बेनिफिट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स टेलीग्राम के सीक्रेट चैट पर, कि आपको सारे मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो आप टेलीग्राम पर नॉर्मल चैट करते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं रहता, लेकिन अगर आप टेलीग्राम सीक्रेट चैट को इनेबल करके चैट करते हैं तो यहाँ पर आपकी सारी चैट वीडियो और डेटा सबका सब एंड टू एंड एनक्रिप्ट रहता है, जैसा कि आपको व्हाट्सएप पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन देखने को मिलता है। दूसरा जो यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हर मैसेज के साथ एक टाइमिंग लगा सकते हैं। मैसेज के ही साथ नहीं, आप जो भी पर्सनल डेटा फोटोज वीडियोज भेज रहे हैं उस पर भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और टाइमिंग की खास बात यह है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप 1 सेकंड का टाइम लगा सकते हैं, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, ऐसे करके आप 30 सेकंड का टाइम लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप 1 वीक तक का टाइम सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई पर्सनल चैट हो रही है तो आप 1 सेकंड का चैट लगाइए, रीड करिए, डिलीट होगा, देखिए डिलीट होगा। तीसरा जो एडवांस फीचर हमको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स वो है स्क्रीन सिक्योरिटी। अब स्क्रीन सिक्योरिटी में है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कई बार किसी से अगर पर्सनल और प्राइवेट चैट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है वो उसका स्क्रीन शॉट लेके रख सकता है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेता है, ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन सिक्योरिटी फीचर देखने को मिलता है, यहाँ पर आप टेलीग्राम के सीक्रेट चैट फीचर्स पे अगर आप किसी से भी चैट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, ना ही आपके फोटो जो वीडियोज का स्क्रीनशॉट ले पाएगा जो आपने टेलीग्राम के सीक्रेट चैट पर भेजा है। इसी तरह उसकी अगर वो रिकॉर्डिंग करना चाहता है, जो रिकॉर्डिंग ऐप आते हैं उसके जरिए अगर वो रिकॉर्डिंग करके रखना चाहता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये फ्रेंड्स कि अगर वो व्यक्ति के पास दूसरा कोई मोबाइल है तो उस मोबाइल से उस चैट की फोटो खींच सकता है, दूसरे मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर रख सकता है। तो अगर आप किसी से बहुत ही पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहिएगा। चौथा जो एडवांस फीचर हमको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स वो है नो फॉरवर्डिंग। कहने के मतलब यहाँ पर आप जितना भी डेटा किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, चाहे फिर वो मैसेज हो, फोटोज हो, वीडियोज हो, कोई फाइल्स हो, अगर आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं वो उस फाइल्स को अपने पास स्टोर करके नहीं रख पाएगा अपने फोन पर, और ना ही वो किसी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर पाएगा, ना किसी दूसरे व्यक्ति को भेज पाएगा। ये एक बहुत कमाल का फीचर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी पर्सनल डेटा फोटोज वीडियोज हम शेयर करते हैं और चाहते हैं कि वो व्यक्ति बस देखे और किसी के पास शेयर ना करे, ना ही वो अपने पास स्टोर करके रख पाए, ऐसे में आपको टेलीग्राम के सीक्रेट चैट पर ही चैट करना चाहिए। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइएगा, अभी तक आप किसी से भी पर्सनल या प्राइवेट चैट करना रहता था तो आप किस एप्स का इस्तेमाल करते थे, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का या फिर अदर किसी मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल आप करते हैं। पांचवा बेनिफिट फ्रेंड्स ये है कि आप यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री कर सकते हैं, मतलब कि अभी तक जो भी आपने चैट की हुई है उसको आप अपनी तरफ से डिलीट कर सकते हैं। आपकी साइट का तो डिलीट होगा ही होगा, साथ साथ सामने वाले व्यक्ति का भी आप पूरी तरह से हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, वो ऐसा लगेगा जैसे कोई चैट हुई ही नहीं, अभी आप फिर से शुरू चैट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर हो जाता है। कई बार हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं फिर उसको एक बार देखने के बाद अपने तरफ से डिलीट करते हैं तो उसके साइड जब डिलीट होता है तो आप उसका मैसेज चला जाता है या फिर लिखा रहता है कि यहाँ पर कोई मैसेज भेजा गया, फिर उसे डिलीट कर दिया। लेकिन आपको टेलीग्राम के सीक्रेट फीचर्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने तरफ से अगर क्लियर हिस्ट्री करते हैं और चाह रहे कि सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी वो क्लियर हिस्ट्री हो जाए तो बड़े आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा फीचर है फ्रेंड्स कि नो क्लाउड स्टोरेज। आप टेलीग्राम का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जितनी भी चैट होती है वो क्लाउड स्टोरेज पे सेव रहती है, व्हाट्सएप की जैसा नहीं रहता। व्हाट्सएप पे क्लाउड स्टोरेज का फीचर हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन टेलीग्राम पर आपको क्लाउड स्टोरेज का फीचर देखने को मिलता है। आप जो भी चैट कर रहे हैं नॉर्मल अगर टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर सारी चैट का रिकॉर्ड रखा रहता है। आप अगर दूसरे मोबाइल पर यूज करेंगे तो वहां पर भी वो रिकॉर्ड आता रहता है। अपने मोबाइल से अगर इंस्टॉल कर दीजिए, दोबारा से रीइंस्टॉल करिए तो आपका वो सारे मैसेज का बैकअप आ जाएगा। लेकिन अगर आप टेलीग्राम के सीक्रेट चैट फीचर पे चैटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी स्टोरेज वाला फीचर्स नहीं है, मतलब आप मैसेज को ना ही लोकली स्टोर करके रख पाएंगे, ना ही यहाँ पर आपको कोई तरह का क्लाउड स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये मैसेज की और जो वार्तालाप हो रही है अभी की अभी पूरी खत्म हो जाए, कोई स्टोर करके पर ना रख पाए, ना सामने वाला व्यक्ति ना आप, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम सीक्रेट फीचर्स का इस्तेमाल करिए। सातवां नंबर, ये बहुत ही कमाल का फीचर है फ्रेंड्स। कई बार होता है हम किसी व्यक्ति को अगर मैसेज भेजे व्हाट्सएप के जरिए और फिर मैसेज को अगर हमने डिलीट कर दिया तो हमारा नाम सबसे ऊपर आता है, अगला व्यक्ति फिर जान जाता है कि इस व्यक्ति से इसकी चैटिंग हो रही थी, डिलीट कर दिया। या फिर उसने मैसेज अगर नहीं देगा बहुत देर बाद आता है तो कोई और व्यक्ति अगर अकाउंट को ओपन करता है तो जान जाता है।
लेकिन टेलीग्राम पे आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा वो अकाउंट ही डिलीट कर सकते हैं। मतलब आपने किसी को मैसेज भेजा, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, अगर उस व्यक्ति ने उस मैसेज को नहीं देखा तो आप डायरेक्टली जाएंगे उस अकाउंट को अपनी तरफ से डिलीट कर दीजिए, मतलब उस चैट हिस्ट्री को वहां पे रखिएगा। और अकाउंट को जब डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के बाद आप चाहेंगे कि उस सामने वाले व्यक्ति की तरफ से वो अकाउंट डिलीट हो जाए तो तुरंत से वहां से भी डिलीट हो जाएगा। ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि चैटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, चैटिंग शुरू की गई थी कि नहीं। ये भी एक कमाल का फीचर हो जाता है उन लोगों के लिए जो अपने चैट को जो रिलेशनशिप में, तो कई बार इस तरह के फीचर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये तो कमाल के फीचर्स हैं, आपको सुन के तो मजा ही आ गया होगा। वैसे अब आप कमेंट में बताइएगा कि आप टेलीग्राम के सीक्रेट चैट फीचर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा लूप होल ये है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर जो भी वीडियो कॉल कर रहे हैं या ऑडियो कॉल कर रहे हैं ये एंड टू एंड क्रिप्ट नहीं रहती। दूसरा, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा जा सकता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप जो आते हैं उसके जरिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जा सकती है और स्क्रीन शॉट भी लिया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और सोच समझ के वीडियो कॉल करिएगा। यहाँ पर वीडियो कॉल एंड टू एंड एनक्रिप्ट नहीं रहती और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रोटेक्शन नहीं रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा लूप होल है। लोगों को एक मिथ भी है कि हम टेलीग्राम सीक्रेट चैट के जरिए अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वहां पर वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा, उसका स्क्रीन शॉट नहीं ले पाएगा। तो उसकी स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है और उसको अपने पास वो स्टोर करके रख पाएगा। तो ये सबसे बड़ा लूप होल है। तो फ्रेंड, अगर आप एक रिलेशनशिप में और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं है, कोई व्यक्ति आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं किया हुआ है, तो ऐसे में फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मैंने पूरी जानकारी दी हुई है कि आपका व्हाट्सएप हैक है कि नहीं। तब तक के लिए अपडेट रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो पर।